नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। और आज बात विधानसभा चुनाव को लेकर, जो मतगणना शुरू है, महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के जो है आज मतगणना थी और करीब करीब परिणाम जो है आ चुके हैं। अभी हालांकि वोटों की गिनती अभी फाइनल राउंड की बाकी है, लेकिन जो एक आंकड़े यहां पर आ रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा में जो हो 75 पार बीजेपी की नारा थी, लेकिन जो है वहां हैंग असेंबली का सिनेरियो दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र में जो है शिवसेना और जो बीजेपी के गठबंधन है वो सरकार वहां पर बना रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी अपने अकेले दम पर बनाने की बात कर रही थी, वो जो है अब नहीं है, क्योंकि 200 जो पार के नारे थे वो 100 पर आकर रुक गए हैं। तब वहां भी जो है महाराष्ट्र में भी जो है शिवसेना के मदद से उन्हें सरकार बनानी पड़ेगी। हालांकि इसमें अभी से जो शिवसेना है उन्होंने अपनी 50-50 फॉर्मूला के लिए उन्होंने अपना हिसाब किताब शुरू कर दिया है और एक तरह से उन्होंने बीजेपी का आंख दिखाना शुरू कर दिया है। हरियाणा लेकर क्या से सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा को लेकर हो रही है, क्योंकि वहां पर ऐसा जितने भी एक्जिट पोल आए थे वो सभी ये दिखा रहे थे कि हरियाणा में 2/3 बहुमत से वहां बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन अभी वहां पर क्लियर बहुमत किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी वहां पर है, अभी 35 से लेकर कभी 36 और इसी के बीच में अटकी, वही कांग्रेस कभी 33 से 34 के बीच में सबसे बड़ा वहां किंग मेकर की भूमिका में जो नई पार्टी दुष्यंत चौटाला की है जेजेपी, वो अभी है। और उसको लेकर देखते हैं कि अभी कांग्रेस ने अभी जिस तरह से जो सीएम के कैंडिडेट हुड्डा साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें उन्होंने बोला है ये बीजेपी के खिलाफ मैंडेट है, इसलिए जो भी पार्टियां इनलो है या जेजेपी है चाहे निर्दलीय है, क्योंकि निर्दलीय की भी वहां पर संख्या 7 के करीब है, तो उन्होंने सभी को एक तरह से ओपन ऑफर दिया है कि आप जो पार्टियां हैं सभी आकर हमारे साथ जुड़ सकती हैं और सभी को मान सम्मान मिलेगा। हाँ, इसके साथ ही हुड्डा ने हॉर्स ट्रेडिंग और अधिकारियों पर ऐसा उन्होंने चेताया है कि हमें ऐसी खबर मिली है कि जो निर्दलीय विधायक जीत रहे हैं उन्हें सरकारी अधिकारी जो है अभी से रोक रहे हैं, उन्हें पर दबाव बना रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए, तो वो अभी से ही उन्होंने एक तरह से दबाव की चाल चली है। आइए हम विशेष जानकारी के लिए अपने सहयोगी सीएस राममूर्ति से भी बात करते हैं, क्या अपडेट है। वो सुबह से आंकड़ों को लेकर जो है यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं कि हालांकि दोनों स्टेटों में क्या होगा, इसलिए अभी इसके बाद झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और कई प्रदेश जो है अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीजों पर हम उनसे बात करेंगे, उनके पास क्या अपडेट है। सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है, सुबह से आप देख रहे हैं। अब देखने को तो मिली है सामने में जो हरियाणा की जो स्थिति है, तो 6 सीटों में, मतलब पिछले जो जो चुनाव हुआ था उसमें 6 सीटों में अभी कम चल रही है, जो बीजेपी की कम है, बीजेपी की कम चल रही है। उसी ढंग से जैसे कांग्रेस ने इस बार थोड़ा प्रदर्शन अच्छा किया है, 16 सीटों की बढ़त बना करके 31 सीटों पर अभी है, तो उसी ढंग से मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में भी वही हालत है। बीजेपी मतलब करीब करीब 22 सीटें पिछले बार से कम, जो बीजेपी उम्मीद करके चल रही उसे झटका लगाया है। उसे मुंबई में उन्होंने महाराष्ट्र में 200 पार का जो नारा दिया था, वहीं हरियाणा में उन्होंने ये 75 पार का नारा दिया था, तो उस पर कहीं वो दोनों जगह 50% आ गए हैं, 75 वाला आकर 35 पर टक गया है, 200 वाला आकर 100 पर टक गया है, तो उससे बीजेपी को झटका लगा है। बिल्कुल झटका लगा है बीजेपी को, इसमें सारे विषयों में आत्मचिंतन करना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ है। बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास करना, बड़ी बड़ी ढकोसलाबाजी वाली बातें करना, आत्मचिंतन करने की बात है बीजेपी को। निश्चित रूप से आने वाले जो झारखंड की चुनाव है उसमें असर पड़ेगा, ये हमारा मानना है। झारखंड में भी उन्होंने 65 पार का जो लक्ष्य रखा है और इसके लिए जो है वहाँ महाराष्ट्र में भी बता दूं कि वहां पर बीजेपी में बहुत बड़ी संख्या में जो कांग्रेस और अन्य पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी में ज्वाइन किया था और उन्हें जो है टिकट में प्राथमिकता दी गई थी जो बाहर से आए थे। वही झारखंड में भी आप देख सकते हैं कि लगातार दूसरे पार्टी के जो विधायक हैं वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो पार्टी के साथ बरसों से
जो लॉयर रहा है उसे मौका नहीं मिलता, तो उसके नाराजगी का कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। हरियाणा में भी इसी तरह की बातें आ रही हैं, वहां पर कई मंत्री जो है जो कैबिनेट में मंत्री थे मनोहर लाल खट्टर सरकार के, वो हार रहे हैं। महाराष्ट्र में भी मंत्री हार गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता थे उनको वो नाराज, और ये बात भी कई विश्लेषकों ने भी कहा और हम लोगों की भी मानना है कि जो बाहर से नेता आए थे उनको प्राथमिकता दी गई और जो बीजेपी के कोर कैडर थे उन्हें नजरअंदाज किया गया है। हालांकि अभी फाइनल आंकड़े 3 बजे तक आएंगे, लेकिन जो स्थिति है वो स्पष्ट दिख रहा है कि हरियाणा में है बेसहमी, बिना जेजेपी जो की मदद की वो कांग्रेस हो या बीजेपी कोई सरकार नहीं बना रही, इस बात से तो आप सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत हूँ, बिना जेजेपी के कोई भी हरियाणा में सरकार नहीं बना सकता। लेकिन मानना पड़ेगा कि एक नया जो है वो पार्टी बनाते हैं INLD से टूटकर और वो 10 और 11 सीट लेते हुए देख रहे हैं, तो उनके नेतृत्व को मानना पड़ेगा, वो भी बाहर से हावर्ड से रिटर्न होकर आए थे, उस जेजेपी का जो यंग जनरेशन है उसके तरफ एक आशा भरी निगाहों से देखते हैं, एक बीजेपी के खिलाफ में वहां की यंग जनरेशन है, वहां की जनता जो है एक मैंडेट देने का काम किया, एक 10 से 11 सीट 12 सीट का जो ट्रेंड दिख रहा है इसमें निश्चित रूप से जेजेपी को लाभ मिला है और वो एक किंग मेकर के रूप में अपना। हमारे साथ हमारे सहयोगी दूसरे सहयोगी विकास जी हैं जो सुबह से इलेक्शन कमीशन के जो वेबसाइट है आंकड़े हैं उस पर उन्होंने नजर बनाए रखी है, तो आइए हम विकास जी से जानते हैं कि क्या कुछ आपके पास ही है। हाँ, जैसे अगर आप इलेक्शन कमीशन जो है उसका अगर आप रिजल्ट देखोगे आप उनकी जो है कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में खासकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है 39 सीट्स में जो है लीड कर रही है, और आप देखोगे जो है भारतीय जो नेशनल कांग्रेस है वो 33 सीटों में जो है वो लीड कर रही है, और जहां पर जो एक बिल्कुल नई पार्टी जो है जो बस 10 महीने पहले ही जो चुनाव से पहले बस 10 महीने पहले ही बनी थी उस पार्टी ने बिल्कुल जो है लोगों को जो है चकित किया है, जहां पर वो 10 सीट में आगे चल रही है। पहली बार भी विधानसभा चुनाव पहली बार वो चुनाव लड़ रही है और जो बिल्कुल हाल फिलहाल में 10 महीने पहले ही बनी है, तो जो मतलब जो 75 सीटों का जो वो अपना जो लक्ष्य रख रही थी और बिल्कुल और जो 6 एग्जिट पोल भी जो पिछले 6 एग्जिट पोल ने कहा था कि हरियाणा में जो है भाजपा जीतने वाली है, तो इसमें जो है तो पूरा जो है उसका रथ जो है चुनावी रथ जो है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं रोका है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आम लोगों के बीच में है जो है काफी रोष है वहां पर जो है बीजेपी सरकार के खिलाफ में, और खासकर जो बहुत सारी जो बयान भी आए हैं NRC को लेकर और जो उसपे और धार्मिक उन्माद अभी उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे। अभी हम आंकड़े की अगर बात करें तो यहाँ से क्या संभावना बन रही, महाराष्ट्र में क्या संभावना बन रही है, इसलिए जिस तरह से शिवसेना ने अभी उनका बयान आया है कि हम जो मुख्यमंत्री पद है उसको लेकर हम 50-50 फॉर्मूला पर बीजेपी से बात करेंगे, हालांकि बीजेपी इस कॉन्फिडेंस में थी कि उसे किसी की बिना मदद के ही पूर्ण बहुमत आ जाएगी, लेकिन अब जो है वहां शिवसेना के बिना मदद के वो सरकार नहीं बना पाएगी, तो क्या समीकरण वहां पर आप देख रहे हैं जो आंकड़े बता रहे हैं? जैसे अभी जो आंकड़े हैं अभी जो इलेक्शन कमीशन में आंकड़े हैं अभी जो है 102 सीटों में जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 60 सीटों में जो है शिवसेना आगे चल रही है, और भारतीय नेशनल कांग्रेस ने जो है पिछले चुनाव से अभी जो है काफी उसने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, और शरद पवार भी जो है 80 साल की उम्र में जो है वो जो है उनका जो एक बिल्कुल अपने अपनी जो चुनावी रणनीति को उन्होंने बिल्कुल जो है और बिल्कुल काफी कम रैली भी की थी इस बार जो है भाजपा की तुलना में काफी कम रैली, जैसे आप अगर देखोगे कि इस बार बस भाजपा ने जहां 330 और शिवसेना ने जो है 72 जो है रैलियां की थी, और वहीं कांग्रेस ने बस जो है 188 रैलियां की, और शरद पवार ने बस 60 से ज्यादा जनसभाएं की, तो इसके मतलब भाजपा की जो है चुनावी भाजपा शिवसेना की जो है इतना बड़ा चुनावी जो उन्होंने जो प्रचार किया उसके बावजूद और एग्जिट पोल ने पूरी तरह से उनको बहुमत में लेके आया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सदमा है उनके लिए, और खासकर मुझे लगता है जो मोदी वेव है वो कहीं ना कहीं लगता है कम हो रहा है। लेकिन ये तो हर बार होता है ना, जब 3 विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें मध्य प्रदेश राजस्थान और 3 छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस ने सरकार बनाई, लेकिन फिर जब
जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ फिर वो बीजेपी के पक्ष में गया, तो ये कहना कहीं ना कहीं जल्दीबाजी होगा, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में वो अभी सरकार बना रहे हैं और हरियाणा में असमंजस की स्थिति है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। हालांकि हाँ, अपने उम्मीदों पर जिस तरीके से आंकड़े थे वो नहीं आ पाए, तो अभी वो कहना है कि मोदी वेव रुक गया, ये कहीं ना कहीं जल्दबाजी होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से जो है जो मंत्री हारे, जैसे पिछले बार अगर आप देखोगे जो है पिछले बार में बिल्कुल बहुमत की थी, तो कहीं ना कहीं एक मोदी वेव जो था पूरे जो है 2014 में जो लोकसभा चुनाव का जो पूरा मोदी वेव था वो जो है वो असेंबली इलेक्शन में भी दिखा था। लेकिन इस बार देखोगे जो 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 दूसरी क्षेत्रीय जैसे वहां पर हरियाणा में जो क्षेत्रीय पार्टी जो है किंग मेकर है, और यहाँ महाराष्ट्र में भी जो क्षेत्रीय पार्टी भले गठबंधन है वो कहीं ना कहीं किंग मेकर, तो इस बार अगर आप देखोगे तो वो एक बिल्कुल स्पष्ट बहुमत नहीं है, और जो इस बार क्षेत्रीय पार्टियों का जो है वो काफी जो है किंग मेकर के रोल में आ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर बनाए रखिए, क्या अपडेट है हमारे दर्शकों को, सोशल संवाद से जुड़े लोग हैं उनको आप देते रहिए। और जो है अभी हम और बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं। एक सवाल जो बार बार आ रही है कि जो हरियाणा में प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, हालांकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस की आप जिस तरह से देखें रैलियां, वहां पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी बहुत ही कम रैली किए, सोनिया गांधी ने पूरे चुनाव प्रचार से दूर रही, हालांकि राहुल गांधी 2 या 3 ही रैली किए, लेकिन इसके बाद भी उनका प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो उनके लिए ये संजीवनी बूटी की काम करेगी कि लोकसभा के बाद जो हार हुई थी इसके बाद कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां थी, हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो एक तरह से निराश हो चुके थे, लेकिन जो हरियाणा का परफॉर्मेंस है उससे कहीं असर पड़ेगा। आप देखते हैं कि जो एग्जिट पोल जहां 6 से 10 सीटें दिखा रहे थे हरियाणा में कांग्रेस को, वो आज मतलब नेट टू नेट फाइट चल रहा है उसको। मैं सबसे पहले तो आग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जो भी एग्जिट पोल करते हैं उनको एटलीस्ट कम से कम धरातल पे आकर के एग्जिट पोल का आकलन करना चाहिए, ना कि जिस चीज को भी मतलब किसी को चढ़ा दे पहाड़ पे, किसी को एकदम धरातल के नीचे भी पताल में गाड़ दे, वो भी हवा के साथ बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया एक चौथे लोकतंत्र की स्तंभ है। कम से कम इसको कम से कम ध्यान में रखते हुए मीडिया को जो सच्चाई है उसको कम से कम एग्जिट पोल में शो करना चाहिए। ये बातें तो काफी समय से उठ रही हैं, क्योंकि आप दिल्ली ही चुनाव 2015 के चुनाव को आप याद कर सकते हैं कि उन्होंने जो एग्जिट पोल है जिसमें आम आदमी पार्टी की 67 सीटें हुई थी 70 में से, और उस समय किस तरीके से जो है वो बीजेपी को जीतते हुए दिखा रहे थे, और लेकिन क्या हुआ लास्ट में 70 में से 67 सीटें जो है आम आदमी ने जीता। तो एग्जिट पोल को लेकर तमाम चर्चाएं होती रहती है और हमारे देश में, इसलिए कि एग्जिट पोल जो होते हैं एक तरह से माहौल बनाने का, एग्जिट पोल से पहले ओपिनियन पोल होते हैं, और चैनलों आज जो है उन पर तमाम तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि वो अपने अपने एक तरह के एजेंडे चलाए जाते हैं, पार्टी के पक्ष में चलाए जाते हैं, कई बार साबित हो चुका है, और वो लोगों के जो है माहौल बनाने का काम करते हैं। लेकिन आज हम बात आंकड़ों पर करेंगे, खासकर हरियाणा के हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्मेंस किया है, दुष्यंत चौटाला ने किया है, वो सभी को चौंका दिया है, और एक तरह से विपक्षी जो पार्टियां हैं उनको जो है उन्होंने एक तरह से जोश भर दिया, इसलिए कि आने वाले अभी झारखंड विधानसभा चुनाव का होने की घोषणा होने वाली है 1 सप्ताह के अंदर, जिसे दीपावली के बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव का घोषणा हो जाएगा, और नवंबर में चुनाव इलेक्शन हो जाएगा और दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा। इसका क्या असर, दुर्गामी असर पड़ेगा, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो झारखंड में इसका आप क्या देख रहे हैं, क्या असर पड़ेगा? असर तो निश्चित है कि पड़ेगा कुछ ना कुछ, कहीं एक संदेश है कि अगर विपक्षी पार्टियां मिलकर लड़े तो विपक्षी पार्टियां अगर गठबंधन करके कर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से बीजेपी की मुकाबला कर पाएगी और हमें लगता है कि जैसा हरियाणा में जो ट्रेंड बता रही है उस ढंग से झारखंड में भी लगता कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसलिए काफी वहां पर ऐसा प्रचार था, इसलिए कि वहां हम देख रहे थे जिस तरह से रैलियां हो रही थी वहां कहीं भी जमीनी मुद्दे की बात नहीं हो रहे थे, और खासकर मीडिया में लोग आम आदमी तो कर रहा था लेकिन उनकी आवाज जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ रहा था,
लेकिन कई सोशल मीडिया पर आप देख सकते थे कि वहाँ के जो किसान थे वो अपने फसलों के दाम की बात कर रहे थे, वो यूरिया बढ़ने को लेकर दाम की बात कर रहे थे, लेकिन रोजगार की बात कर रहे थे, वो सारी बातें नहीं हो रही थी। बात हो रही थी राष्ट्रवाद की, बात हो रही थी धारा 370 की, बात हो रही थी और तरह तरह के जितने भी भावनात्मक मुद्दे थे उन तमाम चीजों की बात हो रही थी। लेकिन जो जनता है उन्होंने, इसलिए कि अंतिम फैसला जनता का होता है, वो तमाम किसी तरह से आप प्रचार कर लें, प्रसार कर लें, कितने भी प्रलोभन दे दें, लेकिन फैसला आखिर उन्हीं को देना होता है। और उन्होंने जो फैसला दिया है वो सभी को चौंका दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो पंकजा मुंडे हैं वो काफी बड़ी, इसलिए कि वो गोपीनाथ मुंडे की बेटी हैं और उनकी विरासत को संभालती हैं, उनका काफी एक वोट बैंक माना जाता है, लेकिन वो अभी पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं, हारते हुए चुनाव नजर आ रही। उसी तरह हरियाणा में भी कई उनके करीब छह मंत्री जो है वो चुनाव हारने की कगार पर है या पीछे चल रहे हैं। तो ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं स्थानीय जो राज्य के लीडरशिप थे उससे लोग वो नाराज थे। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ जी। और खास करके मैं झारखंड के बारे में बताना चाहूंगा कि जिस तरीका से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी एक समस्या है, मैं जमशेदपुर की बातें करता हूँ खास करके। एक सामने टाटा मोटर है जो विश्व की एक बहुत बड़ी मोटर कंपनी है। अब उससे सटी हुई कम से कम 1200 कंपनियां, छोटी छोटी इंसिलरीज जो है आदित्यपुर इंडस्ट्रीज एरिया में, जो एशिया की एक माने जाने इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्री है के रूप में जाना जाता है। तो उसमें आप देखेंगे, पिछले बार मैं सोशल संवाद की अपनी टीम के साथ पिछले 4-5 महीने से बंद पड़ी है, तो जो स्थिति है यहाँ की वो किसी से छिपी हुई नहीं है। हालत बहुत ही भयावह स्थिति में है। इसका कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में जनता मन बना बैठी है कि इसमें हमें इस बार क्या करना है। तो मैं चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के खास करके, और झारखंड की जो परिदृश्य है टोटल अलग है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल्स राज्य है वाला, ट्राइबल्स को लेकर के भी उसके लिए भी एक नीति बनाना चाहिए जो ट्राइबल्स को उसका मैक्सिमम मुख्य धारा में आकर के जुड़े और ट्राइबल्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा मिल सके। हम अभी कुछ देर में जाएंगे विकास से, जानेंगे वोट शेयर का क्या हाल है। लेकिन जैसा इन्होंने कहा, एक तरह से एक सीख है कि सारे मुद्दे ठीक है, राष्ट्रीय मुद्दे, एनआरसी की बात हो, धारा 370 की बात हो, या तमाम जितने राष्ट्रवाद की बात, वो सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार की बात हो या किसानों की बात हो या व्यापारियों की बात हो, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने झारखंड का उदाहरण आपके सामने रखा कि पिछले 4-5 महीने से अधिक समय हो गया टाटा मोटर्स और तमाम यहाँ जितने इंडस्ट्री है आदिपुर में, जो एशिया के सबसे बड़ी सेमी स्किल इंडस्ट्री मानी जाती है, छोटे छोटे इंसिलरी है, वो 4 महीने से बंद है। लाखों मजदूरों को, जो सबसे ज्यादा हालात खराब है कॉन्ट्रैक्ट मजदूर का, और लाखों लोगों का पलायन हो चुका है, महीने में 4 दिन या 5 दिन काम मिल रहा, वैसे में उन्हें सर्वाइव करना, यहाँ पर रहना, अपने परिवार के लिए पालन करना बड़ी ही मुश्किल हो रही है। और अगर इस पर सरकार कोई सार्थक कदम नहीं उठा रही है न दिख रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही लगातार जो इंडस्ट्री वाले हैं उन्होंने आग्रह किया था कि अचानक 38% जो है बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दिए गए, उसे जो है सरकार कम से कम हालात को देखते हुए वापस ले ताकि हम इंडस्ट्री को चला पाए, लेकिन अभी तक कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया। हालांकि वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट टैक्स में उन्होंने कटौती किया, उससे बड़े जो इंडस्ट्री हैं 1,45,000 करोड़ उन्हें फायदा हुआ, लेकिन जो छोटे स्तर पर काम करते हैं, इसलिए हमारे देश में छोटे लोगों की संख्या, छोटे इंडस्ट्री की संख्या, उन लोगों की संख्या ज्यादा है और वो इस देश को चलाते हैं, एक तरह से अर्थव्यवस्था को, जो स्मॉल मीडियम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं वो चलाते हैं और वो सबसे ज्यादा इस देश में रोजगार पैदा करते हैं। और यह और जीएसटी और नोटबंदी और इस मंदी में सबसे ज्यादा प्रभावित वो लोग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना होगा। राष्ट्रवाद के साथ साथ इन सारी जो जमीनी समस्याएं हैं उन पर भी आपको ध्यान देना होगा, एक सबक है इस बात को। चलिए, हम अभी वोट शेयर की बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र और हरियाणा में क्या वोट शेयर कितना बढ़ा है और कितना घटा है, और इसलिए कि अभी हाल में ही लोकसभा
लोकसभा चुनाव हुए थे आप उस पर फोकस करने के अलावा आप इस पर बात करेंगे। अंबिकासी बताइए वोट शेयर की क्या मतलब, इलेक्शन कमीशन की हम बात करेंगे, हालांकि चैनलों अलग अलग से अपनी राय दिखा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या दिखा रहा है, क्या वोट शेयर की क्या? इलेक्शन कमीशन में जैसे आप देखोगे जो है भाजपा को जो है इस बार जो है अभी 25.27 जो है 25% जो है वोट शेयर जो है भाजपा को गया है, और शिवसेना भी जो है उसको 17% जो है। आप महाराष्ट्र की बता रहे हैं? ये महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। और मतलब और शिवसेना से बहुत ही जो है नजदीक जो है डेटा जो आपको दिखा रहे हैं कि वो एनसीपी का है जो है, तो शरद पवार का प्रभाव काफी बड़ा है और लगभग बिल्कुल शिवसेना के तक ही करीब में है वोट शेयर जो है। और वहीं आप देखोगे जो है कांग्रेस भी जो है कांग्रेस और एनसीपी लगभग बिल्कुल लगभग बराबर ही है, 2% कहीं जो थोड़ा बहुत फर्क है वहां दोनों का। और अगर जब जो और काफी जो थोड़ा बहुत जो है ये AIMM ने भी जो है थोड़ा सा बेहतर किया है, जैसे 2 सीटों में वो जो है आगे चल रही है और लगभग 1% से ऊपर उनका वोट शेयर जो है अभी है। और जो छोटी पार्टियां जो है जैसे और एक और चीज हैरानी वाली बात है कि नोटा भी इस बार काफी जो है प्रभावशाली रहा है, जैसे आप देखोगे लगभग 1.5% तक जो है नोटा को मतलब वोट मिले, 5 लाख या जैसे लगभग 6 लाख तक जो है नोटा को नोटा दबाया है। तो अभी लेकिन जो महाराष्ट्र में है 288 विधानसभा की सीटें हैं उसमें कितने के अभी रिजल्ट आ गए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के आंकड़े क्या बता रहे हैं, कितने सीटों का रुझान आ गया और अभी कितना बाकी है, यहाँ आप यहाँ दिखा रहा है जैसे अभी तक कितने सीटों का रिजल्ट जो है आ गया है। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल डेटा है उसके अनुसार जो है भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर चुकी है और 101 सीट और जो है 94 सीट्स में जो है वो आगे चल रही है। और अब उसके पक्ष में और अगर आप शिवसेना को देखोगे तो वो 7 सीटें जो है वो जीत चुकी है और जो है 53 सीट्स पर जो है वो आगे चल रही है। और अगर आप एनसीपी का देखोगे तो 2 सीट वो जीत चुकी है और 54 सीटों पर वो आगे चल रही है। और बात करते हैं कांग्रेस की तो 3 सीटों पर वो आगे चल रही है और वही जो है जीत चुकी है 42 सीट्स पे वो आगे चल रही है। तो और AIM जैसे आप देखो 2 सीटों पे और जो इंडिपेंडेंट इस बार अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जो है वो भी 11 सीटों में वो जो है आगे चल रहे हैं और 1 सीट कहीं ना कहीं जीत भी चुके हैं वो। नहीं तो ये सब अब जो आंकड़े हैं इसलिए कि मुझे जो टाइम इंगित कर रहे हैं ढाई बज गए हैं, 3 बजे करीब करीब सारे रिजल्ट आ जाते हैं, तो ये जो ये रुझान है वो उम्मीद एक ही जा रही है कि इन उम्मीदों में ज्यादा इन रुझानों में आंकड़ों में ज्यादा तब्दील नहीं होगा, ये सारे जो है अब जो है रिजल्ट में तब्दील हो जाएंगे ऐसा मानना है। क्या क्या देख रहे हैं कि जो अब रुझान आ रहे हैं वो आंकड़ों में तब्दील हो जाएंगे इसलिए कि ढाई बज गया है? बिल्कुल हमें लगता है कि 3-3.5 के बीच में ये तब्दील हो जाएगी आंकड़ों में, और जो शाम आपकी खेल जो है हरियाणा के अंदर में खास करके वो आपको स्पष्ट दिखने लगेगा, दिख भी रहा है कि जैसे हुड्डा साहब स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि हुड्डा साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने पत्ते खोल रहे हैं, उनके घर पर मीडिया का जो है जमावड़ा लगा हुआ है, ये ऐसा वहाँ देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है शशि जी, हमें लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग की भी शुरू हो गई। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल होगी, और इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की जो भी हो इसमें कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग से बच करके लोकतंत्र में जो जनता ने मैंडेट दिया है उस पर विश्वास करके सरकार का समर्थन। लेकिन अभी हरियाणा में देखे गए थे कई नए चेहरे जो बीजेपी ज्वाइन किए थे वो आते हुए दिख रहे हैं, हालांकि जैसे फोगाट बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ी थी वो उनके पीछे होने की खबरें आ रही थी, तो क्या हुआ मतलब लोगों ने नकार दिया इन नए चेहरों? बिल्कुल कहीं ना कहीं तो वही समझ में आता है कि जो जो जनता की जो फोकस है जो वो एक्सपोजर पर नहीं गए, उन्होंने नेताओं पर भरोसा किया जो बिल्कुल बिल्कुल, और खासकर हुड्डा जी का मतलब जितना यही माना जाता है, हालांकि और भी लोग तमाम विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर पहले उन्हें नेतृत्व दे देती तो
तो रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता था कि क्योंकि लास्ट लास्ट आवर में दिया गया और जब उन्होंने हुड्डा जी ने 10-13 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ने के लिए एक तरह से धमकी दे दी थी तब जाकर उन्हें कांग्रेस ने कमान दिया और उसका रिजल्ट उन्होंने वो विश्वास जो है वो करके दिखाया कि आज भी उन्हें हरियाणा में जो है खत्म नहीं हुए हैं और उन्होंने अपने दम का मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने एहसास कराया कांग्रेस अपना अपना दम का परिचय कराया है। ये कांग्रेस के लिए कहीं सीख नहीं है कि जो राज्य में जो राज्य स्तर के नेता उन पर विश्वास करे और आगे बढ़ाए करे। विश्वास तो करना चाहिए राज्य पुराने बहुत पुराने हुड्डा साहब कांग्रेस के एक बड़े नेता है मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और इसके ऊपर में कांग्रेस को हाईकमान को ज्यादा विश्वास जताना चाहिए क्योंकि बहुत ही अनुभवी नेता है हरियाणा के अंदर में। ये भी देखने को मिला कि जहां जहां पर कांग्रेस के स्टेट में जो लीडर मजबूत थे जैसे आप राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत काफी जो है वो मंझे हुए वहां के राजनेता थे तो वहां रिजल्ट आया। उसी तरह मध्य प्रदेश में आप कमलनाथ और सिंधिया ने वहां पर विधानसभा में ये किया तो उस पर जनता ने विश्वास किया। मध्य प्रदेश उसी तरह छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने वो जिस तरीके से उन्होंने मेहनत किया उसका रिजल्ट आया। तो जरूरत है कि कांग्रेस को अपने राज्य स्तर के नेताओं पर विश्वास करने के कहीं ना कहीं एक तरह से सीख है। बिल्कुल कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ा सीख है। कम से कम जो वैसे लोग जो वैसे कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर में जो बड़े बड़े नेता है जो संगठन के प्रति लॉयल है और संगठन अपने लोगों पर विश्वास करने विश्वास करना चाहिए तो एक कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक तरह संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। और मैं बता दूं जिस तरह से हुड्डा साहब लगातार आप देख रहे थे कि सुबह से वो कुछ भी मीडिया से बात नहीं कर रहे थे वो सिर्फ ये बोल रहे थे 1 बजे तक कि नहीं कांग्रेस की पूर्ण बहुमत आएगी। लेकिन अब जो है वो खुलकर मैदान उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और वो काफी अनुभवी और मंझे हुए ये है और अब जो है उन्होंने मीडिया के सामने आकर लगातार वो बयान दे रहे हैं कि जितनी भी जो भी वो निर्दलीय हो या जेजेपी हो या इनलो हो ये तमाम लोग जो है वो आए सबका जो है मान सम्मान का ध्यान रखा जाएगा। एक तरह से वो ऑफर दे रहे हैं कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ अगर वो सभी ने चुनाव लड़ा है तो आए और हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। हालांकि अभी आंकड़े अभी इसलिए बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है क्या होगा देखते हैं। वहीं महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना ने अभी से तोलमोल शुरू कर दिया है उन्होंने बोला 50-50 फॉर्मूला के बिना हम नहीं मानेंगे क्योंकि उसमें क्या होगा कि वो चाहते हैं शिवसेना का 2.5 साल और बीजेपी का 2.5 साल मुख्यमंत्री दोनों पार्टियों की रहे। लेकिन देखा यह गया है कि जहां भी ये 50-50 का फॉर्मूला अभी तक फेल ही हुआ है पास कम ही हुआ है। इस तरह से झारखंड में भी कई बार सरकारें हेमंत सोरेन और अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में बनी लेकिन ऐसा जब सत्ता ट्रांसफर की बात आती है वहां पार्टियां अलग हो जाती हैं तो ये फॉर्मूला कहीं सक्सेस नहीं होगा। और इससे ऐसा पता चलता है कि महाराष्ट्र में जो है बीजेपी और शिवसेना की जो तनातनी है अभी और कुछ दिन तक रिजल्ट के बाद भी बनी रहेगी। हालांकि वहीं दूसरी तरफ ये भी सिनेरियो एक जो चर्चा है वो जोरों से है अगर शिवसेना अगर इसी तरह से टाल मटोल करती रही तो बीजेपी जो है अपने दूसरे और विकल्प पर वो कोशिश करेगी जिसमें एनसीपी को अपने साथ लाने के लिए क्योंकि एनसीपी जो है वो 55 सीटों पर रुझानों में दिख रही थी कि आगे जा रही है तो 101 और 55 मिलकर जो है 156 सीट होते हैं जबकि बहुमत के लिए उसे 146 सीटें चाहिए। तो ये भी एक संभावना देखी जा रही है कि अगर शिवसेना के साथ बात नहीं बनी तो वो एनसीपी के साथ जा सकती है। हालांकि शरद पवार ने अभी इस पर किसी तरह का बयान नहीं दिया उन्होंने अभी वोटर अभी प्रेस के सामने कुछ देर पहले आए थे उन्होंने तमाम लोगों को जो है धन्यवाद दिया सभी लोगों को जो वोटर थे सहयोगी थे नेता थे सबको सहयोग उन्होंने कहा कि सत्ता आती जाती रहेगी मेन चुनाव ये था और लोगों ने जो हमें विश्वास दिया उससे हम संतुष्ट हैं। तो महाराष्ट्र का जो है हरियाणा के साथ साथ महाराष्ट्र की भी जो है सियासी दाव पेच आगे आपको खींचता हुआ दिख रहा है कि ये आगे क्या होगा इसलिए शिवसेना वहां पर इतनी आसानी से नहीं मानने वाली है कि पिछले आपने पिछले भी देखा होगा लोकसभा और विधानसभा में दोनों 2014 में भी साथ में थी लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा विपक्ष की भूमिका जो है वो शिवसेना ही वहां पर
अजमा रही भूमिका में थी, हमेशा सरकार को हर मुद्दे पर वो खींच रही थी, तो आगे भी ये तनातनी हालांकि देखने को मिलेगा। और हम बात करते हैं, ये क्या आंकड़े में अभी कुछ फोकट आ चुकी है सोना, अभी जैसे कि इन्होंने क्या लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट सोनाली फोगाट हार चुकी है हरियाणा से, सुभाष बारला बीजेपी। सोनाली फोगाट में बता दूं, वही सोनाली फोगाट थी शायद जो टिकटॉक विकास जीकर मैं सही जा रहा हूं तो वो वही सोनाली फोगाट है जो टिकटॉक स्टार थी जिन्हें मनोहर लाल खट्टर ने ये दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी एक तरह जो है सोशल मीडिया स्टार जो है युवाओं की पसंद जो है लगता है, लेकिन जो है जनता ने उन्हें नकार दिया है कहीं ना कहीं। तो वो सोशल मीडिया के स्टार की आपको बता दें जिनकी चर्चा बहुत हो रही थी, सोनाली फोगाट और जो है टिकटॉक स्टार थी वहां पर ठीक है, तो उन्हें जो है वो उन्हें हार का सामना करना पड़ा क्योंकि ऐसा बीजेपी को लगा था कि एक बड़ी स्टार है लोगों के बीच में, सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय है, तो इनकी लोकप्रियता गुनाई जा सकती है, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। जैसे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भूपिंदर सिंह हुड्डा जो है वो जीत गए हैं, कैप्टन अभिमन्यु हाँ सरकार में सबसे अहम पद पर थे, मंत्री थे हरियाणा सरकार में, उन्हें सीएम का दावेदार भी माना जा रहा था कि इस बार वो दावेदार रहेंगे और वो बार बार है, लेकिन वो हार गए हैं। वहीं बबीता फोगाट जो दादरी आप जानते हैं कि वो रेसलर हैं, बबीता फोगाट महावीर फोगाट की जो चार बेटियां उनमें से, ये भी कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने ये जीता था, लेकिन वो अभी बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्हें भी जो है स्टार हरियाणा में लोकप्रियता उन्हें काफी थी, लेकिन वो भी जो है वो हार चुकी थी। वहीं और भी एक रेसलर लड़े थे जोगेश्वर दत्त, अभी मैं अपने सहयोगी उनसे विकास से बोलूंगा उनका क्या हाल है, उन्हें भी देखे कि भी बीजेपी ने बहुत बड़ी संख्या में जो है इन लोगों को तक, बबीता फोगाट जोगेश्वर दत्त जो रेसलर है, सुभाष बारला हरियाणा से, एक और बहुत बड़े मंत्री जो सुभाष बारला है और हरियाणा से वो हार गए हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, अभी कुछ देर पहले ही एक खबर आई जो उन्होंने अमित शाह को और अपने दिल्ली ऑफिस को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया, इस हार को देखते हुए, इस प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने सुभाष जो बारला है उन्होंने हार हुआ है। वही एक और मंत्री जो है पंचकूला योगेश्वर दत्त जी हार चुके हैं। हाँ, एक और अहम खबर आई है, जोगेश्वर जो रेसलर थे बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया था, क्या जो हरियाणा की जो बड़ौदा विधानसभा सीट है उसमें जो है जो ओलंपिक मेडलिस्ट थे ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जोगेश्वर दत्त भी चुनाव हार चुके हैं, उन्होंने जो उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी श्री कृष्ण हुड्डा ने काफी हराया उनको। अच्छा, अभी वोटों की संख्या ये नहीं आई कितने ऐसे हराया, लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि जो पार्टी ने बीजेपी ने सोनाली फोगाट बबीता फोगाट और जोगेश्वर दत्त जैसे जो नामी हस्तियां थी और वो काफी लोकप्रिय लोग थे इनको टिकट दी थी, लेकिन जनता ने उनके बदले तीन खिलाड़ी जो है वो चेहरों पर जो है उन्होंने जो पुराने चेहरे थे नेता थे वो उन पर उन्होंने विश्वास ज्यादा अजमाया है। एक थ्योरी ये भी है कि यहाँ वहां जो हरियाणा में खासकर जो राजनीति थी जाट और नॉन जाट की थी, पिछले दिनों आपने देखा था कि जाट को लेकर जाट आरक्षण को लेकर हरियाणा काफी समय तक जलता रहा है और वो बीजेपी जो है बीजेपी के जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर वो नॉन जाट थे, उनको लेकर जाटों में काफी नाराजगी थी, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा आप हम जो देख रहे हैं गूगल, आप इस बात से सहमत है? बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ क्योंकि जाट के जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी के जो लोग हैं बीजेपी के इस बार खिलाफ रहे और दलित समाज के भी लोग जो हैं वो बीजेपी के खिलाफ ही इस बार वोट देता दिख रहा है। जाट आरक्षण वहां पर काफी मतलब जाट आरक्षण जो है लेकर वहां पर काफी हंगामा हुआ था, कई दिनों तक हरियाणा जलते रहा था, तो वो सब चीजों पर कहीं ना कहीं खमियाजा भुगतना पड़ा। हाँ, जिसका परिणाम आप देखने को मिल रहा है इस बार। हालांकि अभी आंकड़े जो है वो बीजेपी को 40 दिखा रहे हैं, कांग्रेस 32 और अदर 7 हैं और जेजेपी जो है अभी भी वोटर संख्या 10 पर बना रखी है अभी, लेकिन देखते हैं कि रुझान जो है आंकड़े में कब तक तब्दील हो रहे हैं, तब तक हम नजर बनाए रखेंगे।
हाँ, विकास जी कुछ बता रहे थे कि जो स्टार जो लोकप्रिय खिलाड़ी थे उन लोगों को टिकट दिया गया था, उनकी हालात जो है इस बार हरियाणा में वो खराब रही। हाँ, जैसे इस बार जो है तीन जो है मुख्य खिलाड़ियों को जो है बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने टिकट दिया था, जिसमें बबीता फोगाट और रेसलर जो योगेश्वर और हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह भी जो है शामिल थे, लेकिन जो है दो तो उसमें हार चुके हैं और संदीप सिंह भी जो है काफी पीछे चल रहे हैं, तो मुझे लगता है उनका भी हारने की संभावना। हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है जो हरियाणा जो भारत में जो है खेल कूद में जो है सबसे आगे रहता है, तो शायद इसको जो है कहीं ना कहीं जो है चुनावी जो जीत में तब्दील नहीं कर पाए हैं यहाँ के खिलाड़ी जो है, तो वो एक सेटबैक है। और जैसे कुछ कुछ जो बड़े चेहरे जो है अगर आप देखोगे जो जो पीछे चल रहे हैं उसमें गोपाल कांडा जो है हरियाणा से जो है वो पीछे चल रहे हैं, काफी मतलब विवाद पहले इनको लेकर विवाद भी हुआ था, जो वो मॉडल हत्याकांड में फंसे हुए थे कांग्रेस के लीडर थे, और जैसे शिवसेना से प्रदीप शर्मा जो है महाराष्ट्र थे वो पीछे चल रहे हैं, और चंद्रकांत पाटिल जो है महाराष्ट्र से, ये भी काफी बड़ा चेहरा जो है वो भी कोथरूड से जो है पीछे चल रहे हैं। एक खबर और सामने हम देख रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला क्या कैथल से हारने की वहां पर ये देखी हुई है, क्या खबर उसको थोड़ा डिटेल्स में बताया रणदीप सुरजेवाला। देखियो वो कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं, राहुल गांधी के बड़े करीब हैं, और कुछ पहले इससे पहले जो है उपचुनाव झज्जर से लड़े थे और उसमें भी उनको हार मिली थी, और फिर वो कैथल से इस बार इसलिए कैथल से वो लड़ते आ रहे थे और वहां भी उन्हें हारने की दिख रही है। वो हार चुके हैं चुनावी जो लेटेस्ट अपडेट है, वो चुनाव हार चुके हैं, पीछे चल रहे थे लेकिन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हार चुके हैं, वो कहीं ना कहीं झटका इसलिए कि वो बड़े चेहरे माने जाते थे और राहुल गांधी के काफी करीब हैं और बिल्कुल पार्टी के प्रवक्ता उनका हेड है, प्रमुख है मीडिया। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए जो है कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेहरा जो है उसने जो है चुनाव में जो है उसे हार का सामना करना पड़ा है। पंकजा मुंडे क्या उनकी स्थिति क्या हो, लगातार पीछे चल रही है। हाँ, वो भी पीछे अभी भी पीछे चल रही है, अभी तक तो जो घोषणा पूरी जो है आखिरी घोषणा नहीं हुई लेकिन अभी पीछे चल रही है और हारने की काफी बड़ी संभावना है। ठीक है, और भी जो भी लेटेस्ट जानकारी है उसके साथ हम आपके पास जुड़ेंगे, तो कह सकते हैं कि जो है वो आंकड़े काफी वो चौंका रहे हैं और बीजेपी हमेशा जो है काफी स्टार और लोकप्रिय चेहरों को वो उतारती है, और लेकिन हरियाणा में देखा यही जा रहा है कि उन सारे चेहरों को जो इसलिए कि हरियाणा को माना जाता है कि वहाँ खेल कूद और खासकर वहाँ पर पहलवानी और तमाम रेसलिंग और इस तरह के जो मुक्केबाजी इन तमाम चीज काफी लोकप्रिय रहते हैं उनको बढ़ावा देती है, लेकिन इन तमाम चेहरों को बीजेपी ने दिया था, जिसमें बबीता फोगाट, जोगेश्वर दत्त, संदीप सैनी और एक टिकटॉक स्टार जो थी सोनाली फोगाट, इन सारे जो चेहरे हैं वो चुनाव हार चुके हैं और कई मंत्री जो है वो हरियाणा सरकार में थे और बड़े चेहरे थे, कैप्टन अभिमन्यू भी चुनाव हार चुके हैं और उसके साथ और भी महाराष्ट्र में पंकजा मुंडे लगातार वो पीछे चली आ रही हैं, देखते हैं अभी रिजल्ट हालांकि नहीं आया है, उसी तरह और भी महाराष्ट्र में भी कई जो नेता हैं वो हार चुके हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 200 पार का एक लक्ष्य लेकर चला था और वहीं हरियाणा में 75 पार के थे लक्ष्य थे, लेकिन दोनों जगह कम जो लक्ष्य से 50% जो है पीछे रह गई है, ये अपडेट है। हरियाणा में अभी भी हैंग असेंबली है, त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है वहां, जेजीपी जो है एक बार फिर से जो नए दर्शक सोशल संवाद के साथ जुड़े उनको बता दूं कि जो वहां पर जेजेपी मतलब दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है वो किंग मेकर की भूमिका में है, बिना उसके सपोर्ट का अभी तक जो आंकड़े हैं उसमें कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना रही है। वहीं सबसे जो खराब हालत इन लोगों की हुई है जो ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी इंडियन नेशनल लोक दल थी उसकी हालत काफी खराब है, वो जो है 3 से 4 सीटों में सिमट गई है, 2014 से भी बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, बल्कि इन लोगों के बदले जो दुष्यंत चौटाला ने पार्टी बनाई है उस पर वहां के लोगों ने विश्वास किया है और दुष्यंत चौटाला ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया है, जो कुछ दिन विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले मतलब 10 महीने करीब पहले ही इस पार्टी का जन्म हुआ था और पहली विधानसभा चुनाव लड़ रही है और उस पार्टी ने आज 10 से 11 विधायक जीतते हुए दिख रही है, तो ये सबसे बड़ी
जो है चौटाला दुष्यंत चौटाला के लिए वो आने वाले समय के लिए एक तरह से हरियाणा की राजनीति में एक बड़े स्तंभ जो है वो दिख रहे हैं और आने वाले समय में वो बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। एक बार फिर हम अपने सहयोगी से जुड़ते हैं कि इसलिए कि हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। झारखंड में दीपावली के बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। यहाँ भी बीजेपी ने 65 पार की जो है लक्ष्य रखा है और काफी बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। आप अखबारों में देख सकते हैं जिस तरह से बड़े बड़े ब्रांडिंग हो रही है, विकास को लेकर बातें हो रही हैं, तमाम चीजों को लेकर। और वहीं दूसरी तरफ बाकी क्षेत्रीय दलों से जो विधायक हैं, जीते हुए विधायक थे, वो बीजेपी में जाने के जा रहे हैं। एक तरह से भगदड़ मची हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिजल्ट जो है वो चौंका रही है। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ भी 65 पार का लक्ष्य है और ये दिख रहा है कि दूसरी पार्टी के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल शशि जी, ये तो हर चुनाव में हर पार्टियों की ये चलता रहता है। अभी जैसे जेएमएम ने कह रहा है कि दिवाली के दिन बड़ा धमाका होगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कुछ विधायक है, कुछ बड़े नेता है जो संपर्क में है विपक्षी दलों से, जैसे जेएमएम, जेबीएम एंड यहाँ पर कांग्रेस, तो इन सबों से भी संपर्क में है। तो ये सब आम प्रक्रिया है चुनाव के समय में, बड़े लोग उधर से इधर, बड़े बड़े नेता उधर से इधर आते जाते रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले बार जो लास्ट टाइम हमारे बाबूलाल मरांडी जो जेबीएम के सुप्रीमो, उनसे सुशल संवाद की, उनके 6 विधायक चले गए। तो ये सब लोकतंत्र के मतलब क्या होते रहते हैं, तो इस तरीके से। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो परिणाम है वो झारखंड विधानसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों के लिए जो हरियाणा में अभी प्रदर्शन दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से जोश भरने वाला है। हालांकि बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, आपको बता दूं बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है और वो चाहेगी कि निर्दलीय, इसलिए वहां निर्दलीय की संख्या भी 7 के करीब है, तो वो उनको लेकर वो सरकार बनाने की कोशिश करेगी, हार नहीं मानेगी अगर वो सबसे बड़ी पार्टी रहती है। लेकिन जो आंकड़े थे वो इसलिए कि जो लगातार जो एग्जिट पोल और रुझान आ रहे थे उसमें बीजेपी को बड़ी जीत के तरफ इशारे कर रहे थे, लेकिन तमाम मैनेजमेंट के बाद, प्रचार के बाद भी जो है ये वो रिजल्ट जो है उस तरीके से नहीं आ रहे। हाँ, कुछ आंकड़ों में तब्दील हुआ या कुछ लेटेस्ट आपके पास? जो जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है 4, खास हरियाणा में जो है भारतीय जनता पार्टी 4 सीट जीत चुकी है और 34 सीटों में जो है वो आगे चल रही है, मतलब 38 पर रुझान आ गया है, मतलब कुछ 35-36 से बढ़ी हुई है पार्टी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए उम्मीद की किरण है। नेट टू नेट फाइट चल रहा है, क्योंकि पहले वो 35 तक आ गई थी लेकिन फिर से वो 38 4 सीटें जीत चुकी है और 34 सीटों पर उस रुझानों में आगे है। और जैसे कांग्रेस जो है 33 सीटों में आगे चल रही है, 2 सीट जीत चुकी है और 31 सीटों में भी मतलब उसकी जीत की संभावना है। और वही बाकी जैसे जेजेपी ने जो है 5 सीट वो जीत चुकी है और 5 सीट में आगे चल रही है अभी जो है, तो मतलब ये बिल्कुल कहीं ना कहीं अभी और आधे घंटे मुझे लगता है रुझान जो है और साफ हो जाएगा कहीं ना कहीं हरियाणा में। लेकिन बहुमत में दिखती नहीं है भाजपा आने को, मुझे लगता है कि जेजेपी कहीं ना कहीं जो है एक टीम मेकर का रोल जो है हरियाणा में प्ले करने वाले। निर्दलीय भी, इसलिए उनकी भी संख्या कितनी है, निर्दलीय भी जो है 6 सीटों में आगे चल रहे हैं, 1 सीट जीत चुके हैं और बाकी 5 सीटों में भी उनकी जीतने की बिल्कुल संभावना है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से वो किंग मेकर की भूमिका में, उनके बिना भी वो भी बीजेपी के साथ अगर मिल जाए तो सरकार बना सकते हैं। मुझे लगता है निर्दलीय कहीं ना कहीं जो है अभी जो है भाजपा जो है कहीं ना कहीं जो है निर्दलीय को पहुंचने की कोशिश करेगी और मुझे लगता है अगर निर्दलीय उनके साथ शामिल हो जाए तो मुझे लगता है फिर से एक बार जो है भाजपा सरकार बना। हाँ, लेकिन हाँ, सरकार भले ही बीजेपी बना ले, लेकिन जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि जो आंकड़े जो है वो जो लक्ष्य रखा था उसको वो पार नहीं कर पाई है, उससे कहीं ना कहीं उसे निराशा होगी और निराशा का ही ये परिणाम है
कि वहाँ हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये दो घंटा पहले ही एक खबर आ गई थी कि उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। तो उस तरह से नैतिक अपने हार की वो जिम्मेदारी मान चुके हैं। हालांकि अभी तक मनोहर लाल खट्टर वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। अभी वो आंकड़ों पर नजर बनाए रखे हुए। उसी तरह महाराष्ट्र में जो शिवसेना और बीजेपी की जो गठबंधन है वो क्लियर मेजोरिटी में आ चुकी है, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री पद को लेकर पावर के बंटवारों को लेकर वहां खींचातानी आपको देखने को मिलेगा। लेटेस्ट अपडेट के साथ हम लोग फिर से जुड़ेंगे कुछ घंटों के बाद और आपको जो फाइनल आंकड़े होंगे उसके बारे में बताएंगे। तब तक कुशल संवाद के जो तमाम टीम है हमारे साथ, श्रेया, विकास, सीतरामूर्ति और मानसी, तमाम लोगों के साथ जो है हम फिर से जुड़ेंगे और लेटेस्ट अपडेट आपको सभी जो खबरें आ रही सबका निचोड़ हम बताने की अपने दर्शकों की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शेयर करना।